बंजारा समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन देकर बताया कि हमारे समाज में विगत कई वर्षों पहले एक प्रथा बनाई गई थी कि कोई समाज में अगर गरीब आदमी है तो उसके लड़के लड़की की शादी में दहेज के रूप में पैसे का लेन देन करते थे, जिसका अब लोग गलत फायदा उठाने लगे हैं, जिसको लेकर बंजारा समाज में एक सराहनीय कदम उठाया गया है कि जो प्रथा बरसों से चली आ रही है उसको बंद किया जाए, जिसको लेकर समाज के लोगों द्वारा कई बार समाज की पंचायत कर लोगों को बताया कि यह प्रथा बंद कर दो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो समाज की बात ना मानकर अभी भी शादियों में पैसे लेन देन का काम करते हैं। बंजारा समाज के अध्यक्ष ने सभी बंजारा समाज के लोगों से अपील की है कि आज से कोई भी बंजारा समाज का व्यक्ति लड़की के पैसे नहीं लगा, अगर कोई पैसे लेता है तो उसके खिलाफ बंजारा समाज कठोर कदम उठाएगी। और सपा को ज्ञापन देकर बंजारा समाज के लोगों ने गुहार लगाई है कि जिले के सभी थानों में अवगत कराया जाए कि अगर बंजारा समाज के लोग लड़की के पैसे लेते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई में बंजारा समाज के सभी लोग प्रशासन का साथ देने को तैयार हैं। देखिए श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। अभी ने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है तो तुम्हारे समाज के द्वारा, तो इसमें क्या तुमने समाज के द्वारा प्रतिक्रिया रखी है? समाज में क्या क्या काम होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए उसके लिए? समाज में हम 2017 से एक मीटिंग की थी और हर जगह मीटिंग करके हमने मतलब दहेज प्रथा बिल्कुल बंद कर दी थी कि लड़कियों के कोई पैसे नहीं लेगा, लेकिन उसके बावजूद 6 साल चलते हुए हो गए, बढ़िया चल रहा है, लेकिन कई लोग हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि हम पैसा लेंगे, आपको कुछ करना है जो कर लो। इसलिए हम सभी मिलकर के एक मित्र मंडल बनाया, नवयुवक मंडल बनाया, जिस मंडल में हर गांव से 20-20 लड़के होंगे, और आज हम सभी मंडल के युवा नव मंडल इकट्ठे होकर के कलेक्टर साहब एसपी साहब को ज्ञापन दिया और उनसे अनुमति ली। वो हर थाने में सूचित करेंगे और हमारा बंजारा समाज को सूचित करेंगे, और हम तो यही चाहता है कि बंजारा समाज आज से आगे से पैसे ना ले। जो भी पैसे लेते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और राजस्थान, एमपी, हरियाणा, हमने सब जगह पे मीटिंग ली है, पहले सबको जागरूक किया है, हमें 6 साल हो गई। बिल्कुल हम सभी हमारे समाज बंधुओं को हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन कर करके कहा है कि भाई बच्चों का पैसा मत लो, लेकिन लोग बात क्या है, कोई मान नहीं रहा, इसलिए हमें कानून का सहारा लेना पड़ा। हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, हमें मजबूरी में ये हत्था उठाना पड़ा। मतलब ये जो तुम्हारे समाज में दहेज प्रथा, मतलब लड़की के लिए बदले पैसे लेते हैं बच्चों, उसको रोकने के लिए, रोकने के लिए हमारे समाज में क्या, पहले गरीब लोग थे वो लोग पैसा लेते थे, लेकिन अब हमारी समाज ने एक ऐसा धंधा बना लिया कि हर पैसों वाला हर आदमी पैसा लेने लग गया, और उसकी कोई सीमा नहीं। पहले तो 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये लेते थे, अब तो 10 लाख, 5 लाख। तो हमारी समाज बहुत ज़्यादा गरीब स्थिति में होती जा रही है इस कारण से, क्योंकि ये पैसे लेते हैं बच्चों का। तो मैं तो पैसे ले रहा हूँ, लेकिन दूसरे को एक एक व्यक्ति मतलब 5 आदमी को गरीब कर रहा है। इसलिए हमने आज एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिया था, हाँ सबको विज्ञापन दिया, साहब ने हमको संसाधन दिया कि हम बिल्कुल आपकी सपोर्ट करेंगे और बिल्कुल आपका सहयोग करेंगे, और हर थाने में जाकर हम ये बात आपकी पहुंचाएंगे।